विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे, और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था, और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है, देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है।